नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त एक खबर जो है वो बीएचयू से जुड़ी हुई, हमेशा से विवादों में घिरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बीती रात बीएचयू के छात्र गौरव की हत्या के बाद आज हरीशचंद्र घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। गौरव के पिता राकेश सिंह ने हत्या के आरोपी चार छात्रों और दो अन्य के साथ साथ चीफ प्रॉक्टर के नाम से हत्या और हत्या करने में साजिश का मामला दर्ज किया है। यहाँ आपको बता दें कि जब से डॉक्टर रोयना सिंह चीफ प्रॉक्टर बनी हैं, तब से वो छात्रों के साथ विवादों में घिरी रहती हैं। कई बार उन्हें हटाने की मांग छात्रों ने की और कई बार रोयना सिंह और छात्रों में जुबानी जंग भी हो चुकी है। लेकिन इस बार एक छात्र की हॉस्टल के पास हत्या से बीएचयू के छात्र ही नहीं बल्कि कर्मचारी भी सकते में आ गए हैं। हालांकि गौरव सिंह की हत्या को 2018 में बीएचयू में हुए बवाल से जोड़कर देखा जा रहा है। उस वक्त पुलिस ने गौरव सिंह को जेल भेजकर बर्खास्त कर दिया था। तो बीएचयू में एक छात्र की गोली मारकर हत्या से सनसनी देखी जा रही है। एक साल पहले हत्या में गौरव बर्खास्त हुआ था चीफ प्रॉक्टर समेत सात के खिलाफ, हालांकि रिपोर्ट दर्ज कर ली है। धर्मेंद्र चौबे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ है। धर्मेंद्र, हम देख रहे हैं बीएचयू का जो बवाल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस मामले में जो प्रॉक्टर हैं उनका नाम भी आया, रोयना सिंह उनका नाम है, और लगातार उनसे जुड़ा जाता रहा है ये विवाद छात्रों का। अभी क्या कुछ ताज़ा स्थिति वहाँ पर और पुलिस किस दिशा में जाँच कर रही है? देखिए, फिलहाल में तो 120B के तहत हत्या और हत्या करवाने षड्यंत्र में रोयना सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा, उनके अन्य साथी जो नेम्ड है उसमें तीन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, दो अज्ञात अभी चल रहे हैं फरार, और जिसके लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल में जो माहौल बीएचयू का इस समय है, सिंह द्वार मेन गेट बीएचयू का मदन मोहन मालवीय का, उसको बंद करके छात्र धरने पे बैठ गया है। जिला प्रशासन व बीएचयू की 10 प्रोफेसर की एक डेलीगेट्स बनाई गई है जो लगातार बच्चों को समझाने का, छात्रों को समझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन छात्र रोयना सिंह की गिरफ्तारी व वीसी की बर्खास्तगी की मांग पे अड़े हुए हैं। जी भुवन। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र, 2018 के एक मामले का जिक्र हो रहा है और जिस छात्र की गोली मारकर हत्या की गई है गौरव, उस केस से नाम जोड़ा जा रहा है। उस बारे में थोड़ा अगर आप बता पाए कि वो ताजा घटनाक्रम से कैसे मिल खाता है। जी बिल्कुल, जो घटना हुई थी 2017 की ये घटना है। 2017 में छात्र के साथ जिस तरीके से एक छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी, उसके बाद लगातार विवाद चल रहा था जिसमें गौरव सिंह द्वारा जो है बीएचयू में आगजनी व तोड़फोड़ के मामले में उसके खिलाफ नेम्ड एफआईआर कर जेल भेजा गया था। उसके बाद रोयना सिंह की प्रॉक्टर और वीसी द्वारा उसकी बर्खास्तगी की गई थी। उसके बाद लगातार विवादों में चल रहा था इस बर्खास्तगी के बाद, लेकिन बीएचयू में इसका आना जाना और बिरला छात्रा में जिसमें ये रहता था उस छात्रों से लगातार इसका संबंध बना रहना और बीएचयू में लगातार विवादों से चूंकि इसलिए घिरा रहता था क्योंकि वहाँ ठेकेदारी के भी कुछ मामले आ रहे हैं जो सामने अभी तक सूत्रों के हवाले से वो स्पष्ट ये हो रहा है कि दो गुटों का वर्चस्व की जंग थी उसमें और वर्चस्व में ही इसको जो है गोली मारी गई है। जी चलिए धर्मेंद्र, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। धर्मेंद्र चौबे हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं कि बीएचयू का पूरा बवाल है वो लगातार गर्माता जा रहा है और एक छात्र की गोली मारकर हत्या से पूरी तरह से न सिर्फ छात्र बल्कि वहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी सख्ते में आ गए हैं। इस पूरे विवाद को 2017 के कांड से जोड़ा जा रहा है और इस पूरे मामले पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जो है वो शुरू कर दी।